तो वेलकम बैक गाइज। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन के कूल और स्टाइलिश इमोजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरेज में भी कर पाएंगे, जो कि आपके स्टोरेज को नेक्स्ट लेवल बना देगा। और मैं आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये वाली फाइल को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड हो जाने बाद आपको कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस फाइल को सेव टू डाउनलोड्स कर लेना है। अब आपको अपने होम स्क्रीन में आ जाना है और वहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है, और फिर यहाँ पे सर्च करना है Zfund 3, और फिर आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। आपको इसे सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है। तो जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इंस्टॉल हो जाने बाद आपको इसे ओपन करना है, और उसके बाद एग्री पे क्लिक करके आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, और फिर टैप करना है डाउनलोड्स पे। अब आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर ऐड फाइल कर लेना है। यहाँ पर आपको वो फाइल सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपने टेलीग्राम में डाउनलोड किया था। फाइल ऐड हो जाने बाद आपको उस पर सिंपली से क्लिक करना है। अब आपको नीचे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर क्लिक करना है बिल्ड पे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद टैप करना है इंस्टॉल जेड फाइल मैनेजर पे, और फिर नीचे आपको गूगल प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली से इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो गिव इट ए थम्स अप। ऐप इंस्टॉल हो जाने बाद आपको वापस से बैक चले आना है, और आप दोबारा क्लिक करना है इंस्टॉल सैमसंग सेंस पे। फिर जाना है नीचे सेटिंग्स में, और यहाँ पर परमिशन के लिए अलाउ कर देना है। अब यहाँ इंस्टॉल पे टैप करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, और फिर क्लिक करना है डन पे। अब फिर से जाना है वापस और दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहले से आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट होगा तो आपको सैमसंग सेंस चूज कर लेना है। ये करने बाद आपको वापस से बैक जाना है, और वहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपका सैमसंग अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको सिंपली से लॉगिन कर लेना है। और अब आपको क्लिक करना है फोर्थ वाले ऑप्शन पे, और फिर क्लिक करना है गो टू बैकअप पे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स पे सेलेक्ट करके नीचे बैकअप नो पे क्लिक कर देना है, और थोड़ी देर वेट करने बाद आपका बैकअप कम्प्लीट हो जाएगा। बैकअप हो जाने बाद आपको वापस से बैक आ जाना है, और यहाँ पर अनइंस्टॉल सैमसंग सेंस पे क्लिक कर देना है, और फिर अनइंस्टॉल करने के लिए ओके पे क्लिक कर देना है। अब ऊपर का सारा स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है, बट अभी इमोजी चेंज नहीं हुआ है। तो इमोजीज को चेंज करने के लिए आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और फिर क्लिक करना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल होने वक्त आपको एक अनसेफ ऐप का वार्निंग आएगा, तो आपको वहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करके इंस्टॉल एनीवे पे टैप कर देना है, और फिर ये ऐप इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल हो जाने बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, और फिर टैप करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डिफॉल्ट, और फिर वापस से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको तीसरे और लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर गो टू रिस्टोर पे टैप कर देना है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन पे टैप करके अपने सेटिंग्स का डेटा रिस्टोर कर लेना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस को अनटिक कर देना है, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स को छोड़ के, और फिर नीचे रिस्टोर पे क्लिक करना है। थोड़े ही देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। रिस्टोर हो जाने बाद आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, और वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, एंड यहाँ पे सर्च करना है जीबोर्ड। और अगर आपके फ़ोन में पहले से ये वाला कीबोर्ड होगा तो आपको इसे अपडेट कर लेना है, और अगर नहीं हो तो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने बाद आपको इसे ओपन करके सेटअप कर लेना है। उसके लिए आपको इनेबल इन सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर जीबोर्ड वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट इनपुट मेथड पे क्लिक करके जीबोर्ड चूज कर लेना है, और बस इतना करते ही यू आर रेडी टू गो। अब मैं आपको इंस्टाग्राम में जाके लाइव दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन में आईफोन के इमोजीज आए हैं कि नहीं, एंड फाइनली यहाँ पर मैं आपको अपना कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। अब आप अपने आँखों के सामने लाइव देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे फ़ोन में आईफोन के सारे इमोजीज आ चुके हैं, और इनका इस्तेमाल मैं अपने स्टोरेज में भी कर सकता हूँ। तो है ना काफ़ी ज़्यादा कूल और मज़ेदार। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन के कूल और स्टाइलिश इमोजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, बस इतना ही था आज वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।